नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आप इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी जो इलाज करवा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अभी इलाज चल रहा है उनका एम्स में, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ, बड़ा बयान, बिल्कुल ही बड़ा बयान, और बीजेपी के लिए चेतावनी भरा बयान है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा है वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग है, बीजेपी को चेतावनी है। और जीतन राम मांझी ने जो कुछ कह दिया है, दरअसल वो नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर बड़ी डाल बन के खड़े हो गए हैं सामने। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है बीजेपी को कि ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उस मुद्दे पर मांझी ने तेवर तल्ख कर दिए हैं। मांझी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद उसके मायने भी बताएंगे आपको। तो मांझी ने जो कुछ ट्वीट किया है उसमें लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हम व्याख्या करेंगे, बताएंगे आपको। मतलब मांझी ने नेतृत्व से, बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। नीतीश कुमार जी को कमजोर समझने वालों को शायद पता नहीं है कि हम मजबूती से उनके साथ हैं। तो मांझी के शब्द बहुत कठोर हैं, भले वो लिख रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है, अनुरोध से शुरुआत कर रहे हैं, पर उनका जो अंत है वो बहुत ही कठोर है बीजेपी के प्रति, जो शब्द मांझी ने इस्तेमाल किए हैं। दरअसल एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं, उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। मतलब पहली बात तो वो अनुरोध कर रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है, उसके बाद जो आगे लिखे हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए इसका ख्याल रखें, मतलब दोनों शब्द भी इस्तेमाल किया गया। अनुरोध केवल ऊपर से दिखाने के लिए है, पर अंदर के जो शब्द हैं वो तल्खी भर रहे हैं, बड़ी तल्खी दिखा रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व को उन्होंने चेता दिया है, चेतावनी दे दी है मांझी ने कि ऐसे नहीं चल पाएगा। जो आप नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मांझी ने अपनी बात जो आगे लिखी है उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, पूरे कदम से कदम मिला के खड़े हैं। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी को कमजोर समझने वालों को शायद पता नहीं कि हम मजबूती से उनके साथ है। मतलब मांझी ने बीजेपी को बता दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, समझ लिए बीजेपी। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को ही ये सब कुछ कहा है कि ये बीजेपी समझ ले कि हम नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और उन्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। मतलब मांझी ने कड़े कड़े शब्दों में, बड़े बड़े शब्दों में बीजेपी को बता दिया है, समझा दिया है कि जो बीजेपी कर रही है वो ठीक नहीं है, अरुणाचल में उसने जो किया वो ठीक नहीं किया। ये बातें बार बार आ रही हैं और कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर कसक बार बार दिख रही है अरुणाचल प्रदेश की। खुद नीतीश कुमार परेशान दिख रहे थे उस दिन जब बैठक हो रही थी जेडीयू की, दो दो दिनों तक बैठक चली, उसके अलावा जब तीसरे दिन बैठक नहीं थी तो फिर नीतीश कुमार पहुंच गए पार्टी कार्यालय, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की इस मामले में। मतलब नीतीश कुमार परेशान थे, बहुत परेशान थे, और बार बार जिस तरह से बातें भी आ रही थी, विपक्ष जो है उन्हें बार बार कह रहा था कि बीजेपी इसी तरह के चेहरे वाली पार्टी है, बीजेपी ऐसा ही सब कुछ हर किसी के साथ करती है। विपक्ष तो छोड़िए, आप जब सत्ता पक्ष में उनके साथ हैं तो आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में आपके साथ ऐसा किया और अब बिहार में ये कांड होने वाला है, इस तरह की बातें विपक्ष कर रही थी और नीतीश कुमार परेशान थे। उन्होंने तुरंत नेतृत्व भी परिवर्तन कर दिया पार्टी का, पार्टी को उन्होंने बदल दिया चेहरा, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और आरसीपी सिंह अध्यक्ष बना दिए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम ये बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार धड़ाधड़ ये फैसले ले रहे थे, पर अब मांझी ने जो बात कही है बड़ी बात कह दी है। और बिहार में सरकार अगर चलाना है तो मांझी को साथ लेकर चलना है, वीआईपी के मुकेश सहनी को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि बिहार की जो सरकार है 125 सीटों वाली सरकार है और 122 बहुमत का आंकड़ा है, यानी
कि अब जो किसी तरह से मांझी ने कह दिया है कि बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो ये अच्छी बात नहीं है, बीजेपी की खैर नहीं है। एक तरह से उनकी जो अंदाज है यही बता रहे हैं कि बीजेपी की खैर नहीं है अगर बीजेपी ने इस तरह का कुछ काम किया तो। दरअसल बिहार में भी बात उठने लगी है और विपक्ष जो बार बार बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार के अंदर भी जेडीयू को तोड़ देगी, तो नीतीश चिंतित है पर मांझी अब उनकी चिंता में चिंता को बांटने के लिए आ गए हैं। हालांकि मांझी अभी बीमार हैं, हालांकि पार्टी की तरफ से ट्वीट करके बताया भी है कि मांझी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ हैं, धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। ये बात तमाम बातें आई सामने पर मांझी ने जो अब ट्वीट किया है ये बड़ा ट्वीट किया है और बिहार की सियासत में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें मांझी के इस ट्वीट के बड़े मायने हैं और बीजेपी को साफ साफ चेतावनी भी है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।